हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो आप लोग बुरा मत मानना, मैं आप लोगों को नहीं बोला, पर्टिकुलर मूवी के मेकर्स को बोलना चाहता हूँ, जो चीज उन लोगों ने इस पर्टिकुलर मूवी में हमको दिखाया तो ये लैंग्वेज जो लोग समझ जाएंगे। इस पर्टिकुलर मूवी के लिए तो एक ही चीज बोलूंगा, आठू ऐसी पिक्चर बनाया। सब लोग जितने भी रिव्यूअर्स है वो लोग साउथ वालों की चाटते हैं, जमकर चाटते हैं, लेकिन और बॉलीवुड को गाली देते हैं। और आज ये एक साउथ की मूवी है जिसको पैन लेवल पर रिलीज किया है, क्या घटिया मूवी बनाई है। ये मूवी मानो एक ट्रेन है, ट्रेन पटरी पर चल रही है, अब वो ट्रेन कब पटरी पर से हट गई है ये ऑडियंस को समझ में भी नहीं आता, और एंड में के सीधा गिरती है नाले में, और जो पैसेंजर्स है वो पूरी तरह से मर जाते हैं। वही हालत हुई थिएटर में ऑडियंस की। मूवी कहाँ शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई, दिल तो कर रहा था कि चप्पल जूते उतार के पर्दे पर मारू, फिर दिल करा गया नहीं जान दे, एक तो टिकट में पैसा वेस्ट हुआ, उसके साथ अगर शूज भी फेंक देंगे तो भाई क्या नंगे पैर जाएंगे घर से। वो कहावत सुनी ना आपने, बेटी तो बेटी बाप रे बाप, यहाँ पर वही हुआ है कि बेटी के साथ बाप फ्री में मिला है। अनिंदा पांडे को ही बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऊपर से इसमें चंकी पांडे को भी लिया। मूवी देखने के बाद मैं एक ही चीज बोलूंगा कि भाई ऊंचे मकान और फीके पकवान, लिटरली मूवी में स्टोरी है ही नहीं। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि लाइगर और उसकी माँ बनारस से मुंबई आते हैं, क्योंकि लाइगर का बाप लायन एक एमएमए फाइटर था, लेकिन कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिसके बाद उसके फादर की हो जाती है डेथ। लाइगर की माँ हमेशा यही चाहती है कि उसका बेटा बड़ा होकर एमएमए फाइटर बने, तो इसलिए मुंबई आता है रोनित रॉय जो कि एक एमएमए फाइटर के लिए स्टूडेंट्स तैयार करते हैं। अब उस कहानी में क्या चूतियापा होता है सब कुछ जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर वाहियात मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी के 40 मिनट बहुत बढ़िया, बहुत एंगेजिंग लगते हैं, लेकिन उसके बाद जो जो चीज़ें होती है वो आपके सर के ऊपर से जाती है। उसके बाद जो गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन, जो पेन आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं ना, वो भाई अनबेरेबल है। और यहाँ पर मैं आपको चीज़ बता दूं कि मूवी में अनन्या पांडे का जो ट्रैक है वो क्यों डाला है समझ के बाहर, जबकि एक कैरेक्टर है उसको पता है कि उसको लड़की की तरफ नहीं जाना, उसकी माँ उसको बोल बोल के थक गया, उसका मास्टर उसको बोल बोल के थक गया कि भाई लड़की 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 नहीं चाहिए लाइफ में, और ये खुद भी लड़की नहीं मांगता है, तो वो लड़की आ जाती है तो ये बस लड़की के पीछे बैल की तरह चले जाता है। पर जो जो चीजें हुई अनन्या पांडे और विजय देवराकोंडा के बीच में वो रिडिकुलस था। है ही क्या मूवी में बताने के लिए। सॉन्ग्स है, कुछ सॉन्ग्स अच्छे, कुछ सॉन्ग्स एकदम अननेसेसरी का घुसाड़ू लगे मुझे, मतलब सेंस ही नहीं बना था सॉन्ग्स का भी वहां पर सॉन्ग्स डाले। और अगर एक्शन सीन्स की बात करूं तो कोई भी एक्शन सीक्वेंस मुझे ऐसा नहीं लगा जैसे यार ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसा भी एक्शन सीन नहीं है। और वो माइक टायसन, लास्ट के 15 मिनट में तुमने माइक टायसन को लिया और उसको रिंग में भी नहीं लड़ाया, वो कोई एक मैदान में लड़ा दिया, वो भी मतलब एकदम बच्चे वाला फाइट लग रहा था। सीरियसली ये मूवी है कि जोक है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो जो साउथ की ऑडियंस या जो चाटुकार लोग जो साउथ की मूवीज को बहुत ही बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट करते हैं वो लोग इसकी तारीफ करेंगे, लेकिन जो रियल ऑडियंस है, जो जेन्युइन ऑडियंस है, जो सिनेमा देखती है, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि बॉलीवुड की मूवी है या साउथ की मूवी है, अगर अच्छी मूवी है तो वो लोग तारीफ करते, तो वो लोग डेफिनेटली नाराज होंगे इस पर्टिकुलर मूवी से, लेकिन जो चाटुकार है तो भाई वो लोग जम के तारीफ करेंगे। लेकिन सॉरी भाई, मेरे से चाटुकारिता नहीं होती है, मुझे साउथ की मूवी हो या बॉलीवुड मूवी हो मुझे उससे कोई लफड़ा नहीं है भाई, मूवी अच्छी होती है तो मैं तारीफ करता हूँ, ये मूवी वाहियात है, निहायती घटिया मूवी है, अपना टाइम वेस्ट मत करो सीरियसली। खैर अगर एक्टिंग की बात करें तो विजय देवराकोंडा लिटरली यार भाई एक स्टार है, जिस तरीके से स्टैमरिंग करके डायलॉग्स बोला लाइगर और बहुत सारे ऐसे डायलॉग है जो वो हकरा के बोला, लेकिन हाँ एक चीज उसने बहुत अच्छी तरह से बोला है वो है फाइटर। वो चीज है ना कि विजय देवराकोंडा ने परफॉर्मेंस में जान डाली है नो डाउट, और वो बहुत ही डैशिंग भी लग रहा है इस पर्टिकुलर मूवी में, लेकिन उसके अलावा क्या है, कुछ नहीं है। और अनन्या पांडे के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा सीरियसली यार, कोई वर्ड्स ही नहीं मेरे पास, मतलब यार चंगी पांडे सर मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आपने जो भी थोड़ी बहुत इज्जत कमाई है बॉलीवुड में ये अनन्या पांडे पूरी तरह से गुड़ गोबर करेगी सीरियसली यार, एक्टिंग के नाम पे उसने सिर्फ भगा है। मूवी के जो डायरेक्टर है पूरी जगन्नाथ सर, आप क्या बनाना चाह रहे थे, आप एक लड़का जो कि अपने बाप का सपना पूरा करना चाह रहा वो बताना चाह रहे थे, या एक लड़का खुद एक एमएमए स्टार बनना चाहता वो बताना चाह रहे थे, या एक लड़का एक लड़की को पसंद कर रहा है वो लव स्टोरी बताना चाह रहे थे, या एक लड़का एक आइडल माइक टायसन को पसंद करता है जिसका मार्क एंडरसन नाम है उसको बताना चाह रहे थे, मतलब आप क्या बताना चाह रहे थे। पहली बात तो आप खुद क्लियर करो कि आप बताना क्या चाह रहे थे, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि किस विजन को लेकर मूवी बनी है।
और क्या ये विजय देवराकोंडा ने स्क्रिप्ट पढ़ी भी थी कि बस उसने सिर्फ पैन इंडिया सुनकर ही मूवी को साइन किया था, या करण जौहर प्रोड्यूसर है उसका सुन के साइन किया था? लिटरली यार, मतलब इट्स अ शेम कि यार ऐसी मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हो रही है। ये मूवी सेट मैक्स और स्टार गोल्ड पर आती थी ना, वो जो साउथ की मूवीज, उस लेवल की मूवी बनकर रह गई है मेरे लिए। यार मैं कितना बुरा बोलूं, मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 4 out of 10 यार, नथिंग। हाँ बस जिसको देखता जाके देख सकता है यार, हम पर्सनली जाके देखे हमको नहीं पसंद आई तो बस हम लोग बोल रहे सामने से। पेरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूंगा, मूवी में अश्लील कुछ भी नहीं है, आप लोग जाके देख सकते हो अपनी फैमिली के साथ। सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन